खबर है टोंक के देवली से, जहां बीसलपुर डैम में पानी की आवक लगातार जारी है। आज सुबह 8 बजे तक डैम का जलस्तर 309.86 आरएल मीटर पहुंच गया। 24 घंटे में डैम में 23 सेमी पानी आया है। डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश का दौर जारी है। त्रिवेणी का गेज 3 मीटर से बढ़कर 4.20 मीटर पर पहुंच गया। बनास नदी की सहायक बेडच, मिनाली और कोठारी नदियों में लगातार पानी की आवक बढ़ती जा रही है। तो बीसलपुर डैम में लगातार पानी की आवक जारी है। बीसलपुर डैम में लगातार पानी बढ़ रहा है, जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। डैम का जलस्तर पहुंच गया है 309.86 आरएल मीटर पर। अधिक अपडेट के साथ समरता मनीष इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, लगातार बीसलपुर का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और एक समय था जब राजस्थान में कहा जा रहा था कि सामान्य से कम बारिश है तो पानी की किल्लत आने वाले समय में हो सकती है, लेकिन अब बीसलपुर का जो जलस्तर है, जो कि काफी ज्यादा पूरे राजस्थान के कई इलाकों में पानी सप्लाई होती है वहां उस डैम से, अब वहां पर जलस्तर बढ़ रहा है, क्या अपडेट उसकी? जी, बिल्कुल। जयपुर अजमेर टोंक की लाइफलाइन कहे जाने वाला बीसलपुर डैम में लगातार मानसून की मेहरबानी के चलते पानी की जो आवक है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। जी, पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो डैम में 23 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। कल सुबह 8 बजे तक डैम का जो जलस्तर था 309.63 आरएल मीटर था, जबकि आज सुबह 8 बजे डैम का जलस्तर 309.86 आरएल मीटर पहुंच गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी पुलिया है, जहां से जो बनास नदी में पानी आता है वहीं से गणना होती है कि बीसलपुर डैम में कितने पानी की आवक होगी। पिछले 4-5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो त्रिवेणी पर 3 मीटर पानी का गेज चल रहा था, जो आज बढ़कर 4.20 मीटर गेज बढ़ गया है। इसके अलावा जो बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, बांध का जो कैचमेंट एरिया है वो भीलवाड़ा व चित्तौड़ जिला है, वहाँ लगातार बारिश हो रही है और पानी की आवक की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो बनास की सहायक नदियां हैं जो डैम को भरने में सहायक होती है, जैसे जिनमें है बेडच, मेनाई और कोठारी नदी, इनमें लगातार पानी की जो आवक है वो बढ़ती जा रही है। जी जयती जी, चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।